कश्मीर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। वहां से हमारे साथ लखपति दीदी अर्चना जी जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मैम, लखपति दीदी बनने के इस सफर को मेरे व्यूवर्स को जरा समझाइए, कैसे ये बदलाव आपके जीवन में लेके आया? आप ऐसा क्या कर रही हैं जिससे लखपति दीदी आप बन गई हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम अर्चना है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा, ब्लॉक बाहला, तहसील भद्रवा, पंचायत गाजोर से हूँ जी। सर, 2006 में मेरी शादी हुई थी सर। उससे पहले सर मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। तो सर ऐसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक छोटी छोटी सी दुकान थी वो करते थे सर। हमने अपना गुजारा ऐसे ऐसी छोटी दुकान से ही किया सर। 2014 में हमारे यहाँ समूह बने। समूह में बनने से सर, समूह में जुड़ने से फिर हमारे घर के हालात, जैसे मैंने समूह में जुड़ने से लोन लिया तो उससे मैंने एक, हमने फिर एक पोल्ट्री फार्म डाला, उससे भी हमारी इनकम सर थोड़ी बहुत होने लगी। फिर कुछ ये इनकम हमारी पोल्ट्री से हुई, कुछ थोड़ी बहुत सर और हमने फिर लोन लिया, जिससे हमने वो मैरीगोल्ड और लुवेंडर की खेती बाड़ी शुरू की। हमारा टाई अप सर मिशन ने ट्रिपल आई एम से करवा के हमें फ्री में पनीरी दलवाई सर। तो वो पनीरी हमने लगा ली अपने जो हमारे अन इरीगेटेड खेत थे, हमने उनमें वो पनीरी लगाई, जिसमें सर 1-1.5 साल के बाद हमें थोड़ा बहुत फायदा होने लगा। जब सर उसको लगाए हुए 3 साल हुए, उससे हमारी इनकम, जैसे हमने 4 कनाल में लगाया था तो वो 1 लीटर 10,000 का आ जाता था। तो उसमें वो साल की सर 2 फसलें निकलती थी, तो 1 लीटर 10,000 का, फिर उसने हमने 40,000 का वो आयल निकला था सर। बस ऐसे सर मैरीगोल्ड की भी खेती बाड़ी की, लवेंडर की भी की, तो इससे सर हमारी इनकम भी, यहाँ से भी कुछ इनकम आने लगी। फिर सर हमारे साथ और भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी, जो कि आज हम 350 से 300 महिलाएं ये लवेंडर का काम कर रहे हैं सर। जी, और अर्चना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि आपकी पूरी कहानी, भारत की फार्म लेडी, हमने अपने प्रोग्राम में शोकेस की है। अपने दर्शकों से मैं कहना भी चाहता हूं कि इस शो को आप देखिए और अर्चना जी की पूरी कहानी को आप समझ सकते हैं। भारत की फार्म लेडी डीडी किसान का बेहद खास शो है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन अर्चना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कुछ कहना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं? जी सर, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने कि गरीब महिलाओं को मौका दिया है। कि नहीं तो सर, पहले लेडीज को कोई भी नहीं जानता था, कोई पहचान नहीं थी सर। एक लेडीज को घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता था सर। सर मैं तहे दिल से श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ सर। एक बार मैं मिली भी हूँ उनसे। अच्छा, तो क्या हुआ मुलाकात के दौरान, क्या बात हुई मैम, जरा बताइए। क्या सर? जब आपकी मुलाकात हुई, आपने कहा कि एक बार उनसे मिली भी हूँ, तब उस मुलाकात के दौरान क्या क्या बातें हुई, क्या कुछ कहा पीएम ने आपसे? सर बस इसी पे हुई थी सर, उनने बोला था आप क्या करते हो, तो मैंने बोला था सर मैं ऐसे लवेंडर की खेती बाड़ी करती हूँ, तो मेरे समूह का नाम जय कालवीर है, तो मेरा नाम ये है अर्चना है, तो मुझे वहाँ कोई भी मेरे ना मेरे समूह से जानते हैं ना मेरे नाम से जानते हैं, मुझे सभी वहाँ लखपति दीदी कह के पुकारते हैं। क्योंकि जो हमारी इनकम थी वो 1,00,000 साल की थी, तो सभी मुझे लखपति दीदी के नाम से जानते थे। तो फिर वो बहुत खुश हुए थे कि चलो मेरा ये सपना है कि हर कोई दीदी, अब आप यहाँ से जाओगे, जब अपने वहाँ फील्ड में जाओगे तो अपने क्लस्टर की सभी दीदियों को लखपति दीदी बनाए। तो मैं भी आज से आपको अर्चना नहीं, आपके नाम से नहीं पुकारूंगा, मैं भी आज से आपको लखपति दीदी कह के पुकारूंगा।